हेलो व्हाट्सअप गाइस माय मानी स्पिनोद बात होता टूड वीडियो वी विल सी यूज कॉन्टेक्स्ट हुक इन रिएक्ट एप्लीकेशन सो गाइस आप देख सकते हो कल के दिन मैंने आपको इतना ऑसम बताया था जहां पे ये आपका एक कंपोनेंट है अलग कंपोनेंट वहां पे हम डेटा गेट कर रहे हैं ये आपका एक अलग कंपोनेंट है वहां पर भी हम डेटा गेट कर रहे हैं लेकिन ये हम कैसे गेट कर पा रहे थे विद दी हेल्प ऑफ कॉन्टेक्स्ट हुक यूज कॉन्टेक्स्ट हुक बेसिकली मैं आपको बताता हूँ क्या कह रहा हूँ मैं आप बहुत क्लियरली देख सकते हो भैया हो वी हैव दिस अबाउट का पेज जिस जिसमें आप देख सकते यूज कॉन्टेक्स्ट हुक की मदद से मैं ये डेटा गेट कर रहा हूँ ठीक है जिसके अंदर मेरा जो मेन कॉन्टेक्स्ट है उसको मुझे पास करना पड़ता है एज एन आर्गूमेंट एंड देन बाय डिफॉल्ट मुझे मेरा जो डेटा वो मुझे मिल रहा है कोई बड़ी बात नहीं बहुत ही ज्यादा सिंपल इस हुक का काम यही है एज अ कंज्यूमर वाला ये काम कर रहा है लेकिन मैं आपको बताता हूँ एक चीज आई डोंट नो आपने कभी ये नोटिस किया होगा या नहीं बट मैं आपको एक चीज बताता हूँ लेट्स ए कॉन्टेक्स्ट एपिया के अंदर मैं एक और फाइल क्रिएट कर रहा हूँ जिसका नाम है सर्विसेस डॉट जे एस एक्स ठीक है लाइक व्हाट आई डिड विथ अबाउट पेज कॉपी कर रहा हूँ सर्विसेज में जाके पेश कर दे रहा हूँ इट जस्ट मैंने एक न्यू सेक्शन टैग ऐड की है विथ सम प्री डिफाइंड टेलीविंस क्लासेस जिसके चलते वो थोड़ा कुछ वैसा लुक दे रहा है जो कि अच्छा लग रहा है राइट एंड डेटा मैंने यहाँ पे भी रखा वैसे ही मैंने कॉन्टेक्स्ट यूज कॉन्टेक्स्ट हुक की मदद से डेटा मैंने यहाँ पे भी गेट की हुई है ठीक है सब कुछ सेम है इंस्टीट्यूट ऑफ अबाउट आई विल गो विथ सर्विसेज जिससे आपको यह पता चलेगा कि यह जो डेटा मुझे मिल रहा है ये मिल रहा है फ्रॉम माय सर्विसेस कंपोनेंट कंट्रोल एस एप ठीक है अब अगर मैं डायरेक्टली ऐसे करता हूं भले ही इसको मैं कितनी भी बार रिफ्रेश कर लूं मुझे वो डेटा नहीं मिलने वाला है मुझे वो डेटा नहीं मिलने वाला है ठीक है क्यों क्योंकि हमें वो डेटा कब मिलता है जब हम उसको ऐप कंपोनेंट में जाके डिफाइंड करते हैं फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां पे उसको कर दी इस तरीके से एंड बाय द वे ये आपको पता क्यों नहीं मिल रहा है इस तरीके से ऑटो सजेशन यहाँ पे अबाउट पेज रखा हुआ है इसलिए कंट्रोल एस सेव कर देता हूँ अब 110 परसेंट आपको ये जरूर मिलेगा सो वी हैव बस सर्विसेज यहाँ पे मुझे मिल गया चलो ठीक है कंट्रोल एस सेव ठीक है अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि कुछ तो भी इशू मुझे बता रहा है एंड जेस एक्स एक्सप्रेशन मस्ट हाँ ठीक है एक पेरेंट का होना जरूरी हम है हम सबको मालूम है ऑलरेडी तो मैं एक रिएक्ट फ्रेगमेंट उठाता हूँ मैंने पेस्ट कर देता हूँ अब कोई प्रॉब्लम नहीं है सो so अब ये जितना भी कुछ है मुझे वो मिलने वाला है एंड ओ माई गॉड ये क्या हुआ कहाँ है मेरा डेटा कहाँ है भाई आप देखो ना मेरा डेटा किधर है उल्टा मुझे एरर आ रहा है क्या आ रहा है देखो यहाँ पे एरर आ रहा है कैनॉट uh, आप बहुत क्लियर देख सकते हो यहाँ पे ध्यान से देखिए ये वाला जो एरर है बता रहा है कैनॉट डिस्ट्रक्चर प्रॉपर्टी माई नेम ऑफ यूज कॉन्टेक्स्ट एज इट इज अनडिफाइंड क्यों भाई किस खुशी में किस खुशी में ये हमें अनडिफाइंड बता रहे हैं जबकि जब हमने होम पेज पे हमारा डेटा आ गया था कल के वीडियो में अबाउट पेज पे भी मेरा मेरा डेटा आ गया है वही अबाउट पेज को जस्ट मैंने कॉपी पेस्ट किया सर्विसेज पे एंड अबाउट कंपोनेंट का नाम चेंज करके सर्विसेज रखा बाकी सब तो सेम था बट ऐसा क्या हो गया सर्विसेज वाले कंपोनेंट पे कि मुझे ये एरर आ रहा है तो यही आज इस वीडियो का मेन मकसद था आपको बताना कि मैंने कल के वीडियो में आपको क्या बताया कॉन्टेक्स्ट एपीआई आपको समझाया जहाँ फिर से वन मोर टाइम ध्यान से देखिए आप ये था हमारा प्रॉप ड्रिलिंग का इशू जहाँ पे अगर मेरे काउंटर के पास कोई डेटा होता एंड वो डेटा अगर मेरे ग्रैंड ग्रैंड चाइल्ड को चाहिए होता तो उसके बीच में ये जितने भी आपके कंपोनेंट्स uh, आते हैं फॉर एग्जांपल इन आवर केस इट्स आवर चाइल्ड एंड देन ग्रैंड चाइल्ड इन दोनों को बिना डिस्टर्ब करे क्या मैं डेटा इसको डायरेक्टली पास कर सकता था नहीं मैं नहीं कर सकता था मुझे काउंटर का डेटा चाइल्ड को पास करना पड़ता चाइल्ड के थ्रू ग्रैंड चाइल्ड को देन फ्रॉम ग्रैंड चाइल्ड टू ग्रैंड ग्रैंड चाइल्ड इस तरीके से हम डेटा पास करते बट कॉन्टेक्स्ट एपीआई आता है यहाँ पे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जहाँ पे होता क्या है इंस्टीड ऑफ लाइक यू नो स्टोरिंग डेटा इन अ पर्टिकुलर कंपोनेंट वॉट वी डिड कि हमने एक अलग सा सपरेट वेयर हाउस बना लिया जिसका नाम आपने एक स्टोर रख दिया ठीक है एंड यही आपका एक कॉन्टेक्स्ट ए है एक स्टोर रखा अब इस स्टोर रिएक्ट वाले बोलते हैं इसी स्टोर पे आपके जितने भी डेटा है जितने भी स्टेट है जो भी है सब आप यहाँ पे अलग सा रख दीजिए एंड कल के दिन सपोज चाइल्ड को कुछ डेटा चाहिए तो चाइल्ड डेटा ले लेगा चलो ग्रैंड चाइल्ड को कुछ डेटा चाहिए तो वो यहाँ से डेटा लेगा अरे चलो ग्रैंड चाइल्ड को चाहिए तो वो इस तरीके से डेटा ले लेगा तो ये एक अलग सा वेयर हाउस जहाँ से कोई भी कभी भी डेटा ले सकता है बिना अपने पेरेंट्स अपने चिल्ड्रन किसी को डिस्टर्ब करे बिना तो ये हमने देख लिया एंड कितना ईजी है ये राइट right? लाइक like, कोई भी डेटा गेट कर सकता है इवन मैं अभी जो एग्जाम्पल दे रहा हूँ उसमें भी मैं ये बोल रहा हूँ कि कोई भी कंपोनेंट कोई भी फाइल्स वहाँ से डेटा गेट कर सकता है बट इन रियलिटी ये सच नहीं है जी हाँ गाइस ये सच नहीं है कोई भी डेटा एक्सेस नहीं कर सकता समझ रहे हो देर इज सम बोलते ना एक कभी भी एड्स देखना अप टू फिफ्टी परसेंट ऑफ़ ऊपर एक एस्ट्रिक साइन लगा देते बाद में पता चलता है गिन के एक या दो में फिफ्टी परसेंट ऑफ है वो भी अप टू मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा तो यहाँ पे ये जो हमें एरर आ रहा था उसके आने का पीछे का रीज़न क्या है मैं बताता हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है मे बी लाइक इंटरव्यू वाले आपसे ये पूछ सकते ना भी पूछे तो आपको तो ये आना जरूरी है क्योंकि एल्स आप फंस जाओगे ध्यान से देखो ये आपका एक प्रोवाइडर कंपोनेंट है ठीक है कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था वी नीड टू क्रिएट वन कॉन्टेक्स्ट फर्स्ट स्टेप सेकेंड स्टेप इज टू क्रिएट अ प्रोवाइडर कंपोनेंट लाइक हमने क्रिएट की एंड उसके अंदर देखो जब तक मैं ये चिल्ड्रेन बेसिकली ये हमारा कीवर्ड जो है पास नहीं करता तब तक मुझे डेटा नहीं मिल रहा था तो मैंने चिल्ड्रेन पास कर दिए अब हमारे बायो प्रोवाइडर के अंदर जितने भी चिल्ड्रेन हैं अब वो इस डेटा को एक्सेस कर सकते हैं इसका मतलब यही है लेकिन हमारे केस में अगर आप ध्यान से देखोगे तो बायो प्रोवाइडर यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे खत्म हो रहा है सर्विसेस किधर है सर्विसेस हमारे बायो प्रोवाइडर के आउटसाइड है तो बायो प्रोवाइडर के अंदर जो डेटा है वो सर्विसेस एक्सेस कैसे कर पाएगा नहीं कर पाएगा समझ रहे हो क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ जो बायो प्रोवाइडर कंपोनेंट के अंदर उनके चिल्ड्रेन होंगे सिर्फ वो ही डेटा एक्सेस कर पाएंगे आपके भी पापा मम्मी जो है आप कुछ भी करते हो आपको कुछ भी चीज़ आपके पापा मम्मी आपको प्रोवाइड करेंगे ना ना कि कोई और पापा मम्मी मतलब कोई और अंकल आंटी को आप जाकर रिक्वेस्ट थोड़ी करोगे सेम वही है भाई ये भी क्लियर बोला मेरा चिल्ड्रेन जो है उनको ही डेटा दूंगा मैं बात खत्म अब ये सर्विसेज अपना अपने आपको महान समझ के बाहर खड़ा है नहीं मिलने वाला सिंपल यही है तो ज, या तो आप एक काम कर देखो सर्विसेज का डेटा आपको मिलेगा लेकिन आप वो जो डेटा उसको एक्सेस नहीं कर पाओगे यहाँ पे पेज तो आपको मिल जाएगा लाइक like यहाँ पे एक काम करता हूँ ये सबको मैं हटा देता हूँ इतना मैं हटा दूंगा तो ये देखो इसको मैं रिफ्रेश करूँ तो एरर शब्द गया देखो दिस इज़ माई फर्स्ट होम पेज अबाउट पेज एंड दिस इज़ माई सर्विस पेज लेकिन सर्विस पेज द मोमेंट डेटा एक्सेस करना चाहेगा नहीं कर पाएगा क्यों नहीं कर पाएगा रीज़न तो मैंने आपको बता ही दिया ठीक है देखो अब डेटा अगर उसको चाहिए तो हमें करना होगा ये कि सर्विस को भी हमें एज अ चिल्ड्रन की तरह ट्रीट करना होगा बेसिकली बायो प्रोवाइडर कंपोनेंट के अंदर उसको हमें एक्सेस देना पड़ेगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत सभी लोगों को ये आइडिया नहीं रहता उनको लगता है कि हाँ भाई मैंने तो ऐप कंपोनेंट के अंदर रख दिया था बाद में मिस्टेकली वो बाहर उसको रख देते एंड सोचते भाई ये क्या हो गया डेटा क्यों नहीं मिल रहा तो यही एक फंडा है यूज़ कॉन्टेक्स्ट हुक की मदद से आपका ये जो कॉन्टेक्स्ट ए में ये जो प्रोवाइडर कंपोनेंट का जो डेटा है जो जो भी वैल्यूज है कहीं पे भी आप एक्सेस कर सकते हो किसी भी कंपोनेंट में कब बस आपको करना है तो यूज स्टेट हुक को कॉल करना है आपका जो मेन कॉन्टेक्स्ट कंपोनेंट है उसको यहाँ पे पास करना है एंड जो भी वैल्यू आप यहाँ पे डिस्ट्रक्चर करके आराम से ले सकते हो बस कंडीशन एक है एंड दैट इज़ कि आपके जो भी चिल्ड्रेन में आप यूज कॉन्टेक्स्ट हुक यूज कर रहे हो डैट हैज टू बी दी डायरेक्ट चिल्ड्रेन ऑफ आवर एक्चुअल प्रोवाइडर कंपोनेंट बस खत्म प्रोवाइडर कंपोनेंट के अंदर वो सारे कंपोनेंट का होना मैंडेटरी है कंपल्सरी है देन एंड देन ओनली आप वो यूज हुक की मदद से डेटा को कंज्यूम कर सकते हो खत्म बस गाइस आज इस वीडियो के लिए इतना ही ये बहुत इंपॉर्टेंट था मैं चाहूँ तो इसको कल के वीडियो में, में भी बता सकता था लेकिन मुझे मालूम है मैंने नोटिस की लाइक एट्टी परसेंट दो या तीन मिनट के बाद ही गायब हो जाते हैं वीडियो के बाद तो वो कभी ये मतलब अगर लास्ट में मैं बता तो वो लोग देखते नहीं वो वीडियो कभी भी एंड ये जानना बहुत ज़्यादा जरूरी था डैट्स वाई वो आप मिस ना करो इसलिए अलग से मैंने वीडियो बनाया आई होप वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा एंड स्टिल कुछ भी डाउट हो तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कल का वीडियो बहुत ही ज़्यादा ऑसम होगा क्यों क्योंकि कल की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप, आप अपना खुद का एक कस्टम हुक्स कैसे क्रिएट कर सकते हो मज़ा आ जाएगा ऑल आर गाइज तो आपको वीडियो कैसा लगा लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन प्ले लिस्ट को जरूर जेकआउट कीजिएगा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्ले लिस्ट एंड नेक्स्ट टारगेट इज सेवन लैस सब्सक्राइबर्स होगा गाइस अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिएगा मिलता हूँ कल की वीडियो में टिल दें गाइज थैंक यू सो मच टेक केयर